Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your moral value teacher. And today class we discuss in your new golden ways. It's your moral value book. We discuss in today class chapter number 6. Okay, the ghost who follow. It's a very interesting story. It was a cold winter night. एक ठंडी सर्दी की रात थी. द लॉक ऑन द ओल्ड टावर स्ट्रक 12 और घड़ी में कितने बज रहे थे 12 बज रहे थे. बीनीथ द सॉफ्ट लाइट ऑफ द मून और मून के एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट व्हाइट लाइट आ रही थी. दैट वाज फुल उस दिन मून जो था फुल डे फुल मून था. ये ब्यूटीफुल एप्पल ऑर्चर्ड दैट बिलोंग्ड टू अ रॉयल कैस्टल. रॉयल कैस्टल में एक एप्पल का बड़ा सारा गार्डन था. सडनली फिगर स्लाइटली टिप-टॉप्ड विद अ बिग बैग ऑन अ शोल्डर. सडनली वहां पर एक फिगर दिखाई देता है कि वो है किसका ये अभी तक नहीं पता. उसके शोल्डर पे क्या है एक बड़ा सा बैग है. ही वॉज मॉर्टेन. ये वो कौन था जिसकी जो फिगर दिखाई दे रही थी वो मॉर्टेन था अथीन जो की चोर था. With an intention to steal the fruits. उसकी intention क्या थी जो apple का जो इतना royal castle का जो इतना बड़ा apple का garden था वहां से apples को thief करना चोरी करना. The breeze rustled softly through the tree branches and made a hollow noise. और जो breeze के ठंडी ठंडी हवा भर रही थी जो tree की branches से टकराकर एक hollow सी noise create कर रही थी. Martin filled the bag with fruit. Martin ने क्या किया अपने bag को full कर लिया fruits से. Suddenly he noticed the black figure that was following him. Suddenly उन्होंने नोटिस किया कि एक ब्लैक कलर का जो फिगर है वो उसका पीछा कर रहा है. Martin got terrified. Martin डर गया. He dropped the bag, screamed with fear. और उसने क्या किया डर के मारे अपने उस बैग को वहीं फेंक दिया and run off as fast as he could. और जितनी तेजी से वो भाग सकता था वो उतनी तेजी से वहां से भाग गया. Seeing this, the figure also did the same. And run by Martin's side throughout the length of the wall and finally disappeared. तो वो जो figure उनको दिख रहा था वो बिल्कुल उसके पीछे पीछे Martin के पीछे पीछे घूम रहा था और जितनी उसकी length थी उतनी ही थी और finally वो क्या हो गया जो disappear हो गया. The next morning Martin began to tell everyone about the story the ghost who followed him. And next morning क्या हुआ Martin ने क्या किया कि हर किसी को स्टोरी बताई रात की रात को उनके साथ में क्या क्या हुआ था. उन्होंने घोस्ट को देखा वो उसको फॉलो कर रहा था लास्ट नाइट को. विदाउट लिविंग एनी सस्पेक्ट दे वुड प्रूव हिम अ थेट. उसने बिना किसी को किसी और ने तो उसको कुछ कहा ही नहीं उसने खुद नहीं बता दिया कि वही क्या है थीफ. ऑन द सेम डे द मेयर कॉल्ड हिम एंड सेड. और सेम डे ही जिनका वो एप्पल का गार्डन था उसे मेयर ने उनको बुलाया. लास्ट नाइट ही स्टोल फ्रूट फ्रॉम द कैस्टल. और उन्होंने कहा कि तुमने लास्ट नाइट फ्रूट्स को चोरी किया था यहाँ पर चोरी करने आए थे आप. We have found the bag bearing your father's name. वो जो बैग उसने डर के मारे वहीं पर गिरा दिया था ना वो बैग उस पे उनके फादर का नेम लिखा था जिससे वो आइडेंटिफाई हो गया. As punishment you will close in the tower. तो इसकी पनिशमेंट भी तुम्हें टावर के अंदर क्लोज किया जाएगा. And yes, the black figure you saw yesterday. और जो तुम ब्लैक फिगर की स्टोरी बता रहे हो कि रात को ऐसा हुआ था वैसा हुआ था तो उन्होंने क्या आपने घोष देखा वो और कुछ जो भी तुम कल इसकी जो पूरी भी स्टोरी बता रहे हो इट वॉज नथिंग. वो कुछ भी नहीं था बट योर ओन शेडो आपकी खुद की शेडो थी. दैट वॉज प्रोजेक्टेड ऑन द फ्रेशली पेंटेड वॉल. और जो प्रोजेक्ट हो रही थी किस पे जो फ्रेशली पेंटेड वॉल थी वहां पर उस पे शो हो रही थी अगेंस्ट द लाइट ऑफ द मून. लाइट मून की क्योंकि फुल मून था तो फुल मून को आपको पता है कि बाहर लाइट होती है ना तो उसी का रिफ्लेक्शन वहां पर शो हो रहा था. रिमेम्बर ही हु कमिट डार्क डीड्स फॉर वर्क इन डार्कनेस इज हॉन्टेड बाय हिज ओन शैडो. तो ये हमेशा याद रखना कि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं ना तो हमारी ही शेडो हमें हॉन्ट करती है. वही हमें डराती है वही हमें बताती है कि ये गलत काम है आपको ये काम नहीं करना चाहिए. यू फेल्ट फ्रॉम योर ओन शेडो और आप अपनी खुद की शेडो से डर गए. बिकॉज योर इंटेंशन वर नॉट प्योर क्योंकि आपके इंटेंशंस जो है वो प्योर नहीं थे. जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमें किसी से डरने की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है ना. तो समवेयर इन योर हार्ट यू न्यू इट. भाई तुम चोरी कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो या कोई भी गलत काम कर रहे हो आपका हर्ट जानता है कि इट वॉज वेरी रॉन्ग ये गलत चीज है. बट यू डिड नॉट ओबे योर कंसर्न्स बिकॉज विच यू आर कॉट टूडे. और तुमने उसको ओबे नहीं किया उसको नहीं माना इसी वजह से आज तुम पकड़े गए. ओके दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी एंड आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड चैप्टर नंबर 6 द घोस्ट हू फॉलो. ओके क्लास टेक केयर.